फीस ना जमा करने के कारण मासूम बच्चों को घर लौटाया। मां पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय, जहां देवी रोड की रहने वाली उर्मिला ने बताया कि उनके बच्चे तीसरी कक्षा में टैगोर नाम के स्कूल में पढ़ते हैं। पति उनके मजदूरी करते हैं। कुछ दिनों से उनके पति की मजदूरी छूट गई, जिस वजह से वह बच्चों की फीस जमा करने में असमर्थ हैं। लेकिन स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, जिनकी पढ़ाई के लिए वह जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंची। एक दिव्यांग महिला साथी हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के संबंध में आज हम लोग यहाँ पे आए थे। मामला क्या है? ये इनके पति का काम छूट गया पिछले 4-5 माह से, जिसकी वजह से घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। यहाँ पे खाने के लाले हों, वहाँ पे पढ़ाई के लिए पैसे निकालना तो शायद नामुमकिन है। तो फीस जमा न होने के कारण स्कूल वाले इनके बच्चों को आए दिन भगा देते हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर। स्कूल का नाम टैगोर बाल निकेतन है। कहाँ पर पड़ता है ये? डिफेंस स्टेट मधुनगर में है। ठीक। अधिकारियों से मिले, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अधिकारियों ने ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिस उम्मीद से हम लोग आए थे। जैसे ही हम लोग एंटर हुए, डीएम साहब के ऑफिस में जो लोग बैठे थे वो निकल के जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उनसे मिलवाया नहीं। वो कहे उनके उठ गए। उठने के उपरांत जो दूसरे अधिकारी मिले थे उन्होंने भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, कि जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा आने के बाद ऐसा लगे कि हमारी प्रशासन भी हमारी कुछ मददगार हैं। उन्होंने अपनी ऊपर से बात टाल के कल के लिए बोल दिया, कल फिर आते हैं, कल फिर हम लोग अपनी थोड़ा बहुत किराया जो भी कुछ करके आएंगे। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है प्रशासन से और शासन से कि शासन और प्रशासन गरीबों की और अपाहिजों की मदद के लिए जिस तरह से टीवी अखबार में सदैव एक्टिव रहता है, लेकिन वो ज़मीन पर एक्टिव हो तब माना जाएगा कि हाँ सरकार वास्तव में ही गरीब और दिव्यांगों की उद्देश्य है। उर्मिला है। उर्मिला जी, कहाँ से आई हैं आप और क्या किस स्कूल से आपके बच्चों को भगा दिया है? देवी रोड से आई हूँ। देवी रोड से। कितनी क्लास में बच्चे आपके पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में पढ़ते हैं मेरे। किस स्कूल में पढ़ते हैं? टैगोर में। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? दो बच्चे हैं मेरे। लड़का एक लड़की? हाँ। कितने साल से पढ़ रहे हैं? 2 साल हुए हैं। 2 साल से। तो पति आपके क्या करते थे? शहर मेरे पति मजदूरी करते थे, मगर मजदूरी छूट चुकी है। काफ़ी दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मेरे को। मैं ये चाहती हूँ थोड़ी मेरे को मदद मिले, मैं इसलिए आई थी। तो अभी स्कूल वाले बच्चों को भगा देते हैं? हाँ जी। फीस की वजह से। कितने टाइम से फीस नहीं बढ़ पाई आप? हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने। क्या चाहते हो आप? हाँ, ये चाहती हूँ थोड़ी सी मेरे को मदद मिल जाए फीस की।